इस क्वेश्चन में ये मेंशनड है, एट रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच फॉलोइंग डाउनवर्ड विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 cm/s। 8 रेन ड्रॉप हैं और एक छोटे रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी 5 है, ये कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म बिगर ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं 8 के 8। तो बड़े ड्रॉप की टर्मिनल बताओ क्या होगी। जब भी 8 पानी के ड्रॉप कंबाइन होंगे बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो पहले वॉल्यूम इक्वेट करना पड़ेगा और बड़े का रेडियस निकालना पड़ेगा। छोटे का रेडियस तो पता है 1 mm, तो 8 ड्रॉप का वॉल्यूम कंबाइन किया देख रहे हो, 8 × 4π छोटा आर क्यूब, 4/3π बड़ा आर क्यूब, तो यहाँ से छोटे आर की वैल्यू 1 mm है, बड़े आर के 2 mm है, तो बड़ा आर आ गया। अब आपने क्या करना है, टर्मिनल का फॉर्मूला लिख दिया। टर्मिनल में अब इस क्वेश्चन में पहली बॉडी किसकी, वाटर ड्रॉपलेट की, और दूसरी मीडियम की, मीडियम क्या है यहाँ पर, एयर। अब ये हमेशा वाटर की याद नहीं करनी, वो क्या मीडियम है, वो एयर है। अब चाहे छोटा ड्रॉप गिरे चाहे बड़ा ड्रॉप गिरे, 2/9 दोनों के लिए सेम है, डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम है, ईटा दोनों का सेम है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, आर। तो टर्मिनल इस क्वेश्चन में आर पे डिपेंडेंट, आर स्क्वायर। तो पहले छोटे ड्रॉप का टर्मिनल की वैल्यू गिवन है 5, और छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है, 1 mm, बड़े ड्रॉप का रेडियस 2 mm, तो बड़े का वेलोसिटी निकालना है, तो इन्हें डिवाइड कर लो VT, ठीक है। तो वे दोनों जो प्रोपोर्शनैलिटी की वो लगा लो, तो यहाँ पर टर्मिनल छोटे की पता है, रेडियस छोटे का पता है, बड़े की टर्मिनल निकालनी है और बड़े का रेडियस पता है, यहाँ से आंसर क्लियर है। तो किस टाइप से प्रॉब्लम आती है समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है।